हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइडेड बाय एमडीएन पब्लिक स्कूल ऑफ कलायत। मैं मनीषा धीमान आप लोगों को सिक्स क्लास के लिए इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रही हूँ। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का जो सब्जेक्ट है इंग्लिश ग्रामर, उसका हम एक चैप्टर कर चुके हैं। जो हमने क्या किया, इंग्लिश ग्रामर का जो हमारा फर्स्ट पार्ट सेंटेंस वो हो गया है। अब हम जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड चैप्टर है वो कर रहे थे। सेकेंड चैप्टर है हमारा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के अंदर ये देखो कि हम लोग ये वाला सारा पोर्शन कर चुके हो, सारा मैं आपको फेयर नोटबुक में लिखवा चुकी हूँ। एक्सरसाइज वन हो चुकी है, एक्सरसाइज टू हो चुकी है, और उसके बाद आप लोगों के एक्सरसाइज थ्री में कल आपको करवा चुकी हूँ। अब बचती थी आप लोगों की एक्सरसाइज नंबर फोर। जो आपकी एक्सरसाइज नंबर फोर थी वो आप लोगों को मैंने घर से खुद करने के लिए दी थी, वो आपका होमवर्क था। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपने करनी थी। उसके बाद बच्चा, अगर किसी भी बच्चे को जो ये आपका टॉपिक है, कोई एक्सरसाइज है, किसी भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स के कमेंट करेंगे, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो मुझे पता लग सके और फिर मैं उसका रिप्लाई आपको आसानी से कर सकूं। तो इसके लिए सबसे पहले एक आप लोग फेयर नोटबुक कैसे प्रिपेयर करोगे। फेयर नोटबुक के लिए मैंने पहले ही ऑलरेडी, जो यूट्यूब चैनल पे आप देख रहे हो यहाँ पे, मैंने पहले से ही एक वीडियो बना के डाली हुई है कि आपने फेयर नोटबुक कैसे प्रिपेयर करनी है। उसके लिए आप उस वीडियो को देखें फेयर नोटबुक के लिए, और उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप लोगों के लिए बहुत सारी इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि फेयर नोटबुक के अंदर आप क्या क्या लिखेंगे, तो वो सारी चीज़ें भी आप एक बार अच्छी तरह से देख लेना। उसके बाद थर्ड थिंग इज़ दैट, अगर किसी बच्चे को सीरीज़ वाइज लेक्चर नहीं मिल रहे हैं मेरे, तो वो सबसे पहले क्या करे, मेरी हर वीडियो के अंदर, वीडियो में लिंक प्रोवाइड होता है, और आप उस वीडियो लिंक पे जाकर जो है वो पिछले वाली वीडियो देख सकते हैं। जैसे ये वाली जो मेरी वीडियो है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लास्ट लेक्चर का वीडियो का लिंक है। आप ऐसे ही करके बैक टू बैक मेरे सारे लेक्चर्स जो हैं वो देख सकते हैं, ठीक है। अब आपकी नेक्स्ट थिंग आती है कि आपकी जो फोर्थ एक्सरसाइज थी ना, वो मैच थी। क्या करना था आपने, उसमें मैचेट करनी है। तो मैचेट अभी मेरे पास प्रोवाइड नहीं थे, तो मैंने क्या किया, ये जो मैच है ये मैंने इस वे से लिख लिए, ये आपको मैच करने हैं, पर मैं इसको सीधा आप लोग क्या बता रही हूँ, आंसर बता रही हूँ, ठीक है। देखें, दिस सुनामी वेव्स, अब सुनामी वेव्स वहाँ पे पोर्शन होगा आपके लिए, किल थाउजेंड ऑफ पीपल, जो सुनामी की लहरें थी उसने थाउजेंड पीपल को क्या कर दिया, किल कर दिया। मैच करो सुनामी वेव्स यानी फर्स्ट वाले को, किल थाउजेंड ऑफ पीपल इसके साथ मैच करो। जो मैंने ये ब्लैक वाला पोर्शन लिखा हुआ है, यह आपका जो है लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है, और जो मैंने ब्लू के साथ लिखा है ये आपका राइट साइड वाला पोर्शन है। आप इसको लिखोगे, आपने मैच करना है इधर वाले को उधर वाले के साथ, ठीक है। तो दी गंगा, दी गंगा अब कैसी है, हमारी इंडियन होली रिवर है, तो इसके लिए दी गंगा किसके साथ मैच करो, इंडियन होली रिवर के साथ। नेक्स्ट है हमारा दी पेंटर, दी पेंटर हैज़ पेंटर दी फ्रेंच कलर, पेंटर क्या करता है, पेंट करता है कलर्स के साथ, ठीक है। तो थर्ड वाले को किसके साथ मैच करो, पेंट के साथ। टाइपिंग, टाइपिंग इज इम्पॉर्टेंट स्किल, टाइपिंग इज इम्पॉर्टेंट स्किल, तो टाइपिंग को किसके साथ मैच करेंगे, इम्पॉर्टेंट स्किल के साथ। और शेड्यूल, ए शेड्यूल हेल्प स्टूडेंट्स विद टाइम मैनेजमेंट, ए शेड्यूल हेल्प, शेड्यूल की हेल्प मदद करता है क्या करने में, टाइम मैनेजमेंट करने में। तो क्या करो, शेड्यूल को किसके साथ मैच करोगे, टाइम मैनेजमेंट के साथ। गांधी जी, गांधी जी के लिए उधर साइड कॉलम है जो इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन, तो गांधी जी इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन, तो गांधी जी को किसके साथ मैच करोगे, इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन। आप लोगों ने एरो लगा के मैच करना है बच्चे, सिर्फ एरो लगा के मैच करोगे आप, ठीक है। The farmers are sowing seeds. The farmers है आपके लेफ्ट वाली साइड पे सेवन जो है, उसको are sowing seeds के साथ मैच कीजिए, are sowing seeds. My mother cooked delicious food. My mother cooked delicious food. तो इसलिए आप my mother को किसके साथ, जो cooked delicious food है उसके साथ मैच करें। अब नेक्स्ट आप लोग देखिए, आप लोगों का नाइन जो बनता है वो है दी स्वीपर।
दी स्वीपर, स्वीपर को किसके साथ मैच करेंगे, इज स्वीपिंग दी फ्लोर, स्वीपर क्या करता है, स्वीपिंग करता है किसके साथ, फ्लोर के साथ, ठीक है, तो उसके साथ उसको मैच करो। नेक्स्ट है दिस नोवल इज, दिस नोवल को किसके साथ, कोई नोवल है, नोवल यानी किताब, उसको किसके साथ मैच करोगे, इज वेरी इंटरेस्टिंग, उसके साथ क्या करो, इसको मैच कर दो, ठीक है। तो ये आपकी फोर्थ एक्सरसाइज थी, आपका चैप्टर हो गया बच्चों ये कंप्लीट, आज ये चैप्टर आपका हो गया ख़त्म। अब कल के लिए आप लोगों का होमवर्क है, आपका थर्ड चैप्टर है नाउन, नाउन के बारे में आप पढ़ेंगे कि नाउन क्या होती है, कैसे होती है, वो सारी चीज़ एक बार ये चैप्टर दोबारा फुल चैप्टर जो है एक बार रिवाइज करवा रही हूँ आपको, ध्यान से देखो। चैप्टर सेकेंड था आपका सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, दोबारा बता रही हूँ किसी बच्चे को, अगर जो वीडियो का लिंक है पिछले लेक्चर्स का वो नहीं मिला है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके बैक टू बैक आप सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है, डिफ़िकल्टी है, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर फेयर नोटबुक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए ऑलरेडी मैं वीडियो डाल चुकी हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे यहाँ आपने क्या करना है, फेयर नोटबुक में लिखना है कि सेंटेंस क्या है, सेंटेंस की आपने लिखी डेफिनेशन, सेंटेंस क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, वो क्या है सेंटेंस। सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब जो सब्जेक्ट होता है, द सब्जेक्ट ऑफ अ कंप्लीट सेंटेंस इज हु और व्हाट दिस सेंटेंस इज अबाउट, यानी क्या है सब्जेक्ट, क्या है जो हमें क्या बताता हो, हमें सेंटेंस में बताता हो कि वो किसके लिए है, हु और व्हाट यानी किसके लिए है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रेडिकेट, प्रेडिकेट क्या होता है, द प्रेडिकेट टेल्स अबाउट दैट सब्जेक्ट, जो हमें क्या कर, जिसके अंदर वर्ब इंक्लूड होती है और हमें किसके बारे में बताता है, सब्जेक्ट के बारे में बताता है। दोनों में मैंने सेम एग्जांपल दिया, मैं ये सब करवा चुकी हूँ, एक बार दोबारा आप लोगों के लिए रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। व्हाट इज सब्जेक्ट इन इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, वो क्या होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनके अंदर सब्जेक्ट, उनके अंदर सब्जेक्ट ऑलवेज यू रहता है, ठीक है। अब जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उनके अंदर, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हमें हेल्पिंग वर्ब को आगे होती है हमारी हेल्पिंग, उस हेल्पिंग वर्ब को पीछे लेके जाना पड़ता है, और हेल्पिंग वर्ब के पीछे वाला जो सब्जेक्ट होता है उसे आगे लेके आना पड़ता है, तब हमारा यानी हमें उसे एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लेके आना पड़ता है। क्वेश्चन को जब हम स्टेटमेंट में लेके आते हैं तब हमें क्या मिल जाता है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो मिल जाता है, और प्रेडिकेट अलग से। एक्सरसाइज वन जो है वो आप लोगों की हो चुकी है, एक्सरसाइज वन में अगर किसी बच्चे नहीं किए है तो दोबारा बता रही हूँ करना क्या था, आप लोगों को इसके अंदर सब्जेक्ट के ऊपर सर्कल करना है, बस क्या करना था, सब्जेक्ट के ऊपर ओनली सर्कल। जैसे आंचल इज पुलकिंग द फ्लावर, पुलकिंग, तो पुलकिंग क्या है, किसके ऊपर सर्कल करना है आपने, सिर्फ आंचल के ऊपर। इसी तरह से आपकी ये 10 सेंटेंसेस है, इन 10 के 10 सेंटेंसेस पे आपने क्या करना था, सब्जेक्ट ढूंढना था, आपको अलग अलग सेंटेंस मिलेंगे, कोई इंटरोगेटिव होगा, कोई इंपेरेटिव होगा, उनके ऊपर आपने क्या करना है, सर्कल करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, एक्सरसाइज टू में आपने क्या करना है, सब्जेक्ट ऐड करना था, पीछे का प्रेडिकेट दे रखा था, जैसे मान लो इज डैश इज अ बैड फॉर टीथ, तो हमने आगे सब्जेक्ट ऐड कर दिया, शुगर, आइसक्रीम, कुछ भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये आपके 10 जो थे सेंटेंसेस थे जो आपने करने थे अपनी बुक के अंदर, किसके अंदर करने हैं, बुक के अंदर, ठीक है। ऐड प्रेडिकेट एंड कंप्लीट द सेंटेंस, प्रेडिकेट को ऐड करना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे सिर्फ हिमालयस दिया हुआ था, ये आगे वाली वर्डिंग सारी मैंने खुद बनाई जैसे, तो पीछे की जो सब्जेक्ट को छोड़ के पीछे की जो ब्लू पेन के साथ लिखी हुई वर्डिंग है वो सारी क्या है आपकी, प्रेडिकेट, आर द हाइएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। आई होप कि आप लोगों ने ये वाली एक्सरसाइज भी कर चुके होंगे आप लोग, और आज जो हमने किया, आज हमने क्या किया, मैच किया। ये मैच आपको लग नहीं रहा क्योंकि मैंने एज ए इसको आंसर फॉर्म में आपके आगे डिफाइन कर दिया था कि आप लोगों को इजी पढ़े, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, ये मैच आप अपनी बुक के अंदर करेंगे, ये जो ऊपर वाले क्वेश्चन थे दो पेजेस के फेयर नोटबुक पे लिखेंगे, जो एक्सरसाइज थी आप लोगों की वो आप कहाँ पे लिखोगे, एक्सरसाइज आपने करनी है अपनी बुक के अंदर, आपकी बुक के अंदर ये बुक वर्क है, बुक वर्क के लिए स्पेस दिया हुआ है, ये एक्सरसाइज आ जाएगी। और एक और मेन पॉइंट,
हमारी बुक के अंदर जिन एक्सरसाइज के आंसर्स के लिए स्पेस है, हम वो एक्सरसाइज बुक के अंदर करेंगे, और जिन एक्सरसाइज को करने के लिए स्पेस नहीं है वो एक्सरसाइज हम नोटबुक के अंदर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप क्या करोगे, इसको अच्छी तरह से देखोगे एक बार। ओके, तो थैंक यू बच्चों, ये चैप्टर अपना कंप्लीट करें। और नाउन क्या होता है ये कल के लिए आपका होमवर्क है, आप नाउन पढ़ेंगे क्या होती है और कितने टाइप की, अदरवाइज मैं हूँ बताने के लिए आप लोगों को। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।